तो सबसे बड़ा दुश्मन मेरा एक ब्राह्मण ही था। कौन? सिद्धार्थ शुक्ला। जब मैं गया वहां तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी आदमी ने मेरे साथ किया। जब मैं कहीं जाता था ना, था मैं जा रहा हूं, ऐसे करता था वो आदमी। लेकिन जिस दिन मैं आ रहा था उस दिन उस आदमी की आंखों में आंसू खुद के लिए देखा, बोला यार अब बहुत अच्छे इंसान हो। मैं बोला मैं बिग बॉस जीत के जा रहा हूं। कोई जरूरी नहीं है कि आप बिग बॉस के विनर बनो। आप कितने अच्छे इंसान हो ये पूरी दुनिया को पता चल गई, इससे बड़ा विनर क्या हो सकता है यार। हम अपने भोजपुरी को प्रेजेंट करने गए थे, भोजपुरी से जितने लोग गए उन्होंने क्या किया मुझे कोई पता नहीं, लेकिन सबने माँ बहन की गाली दी और सुना। एक आपका भाई है जो ना किसी को गाली दिया और ना ही सुना, क्योंकि हमारी सम्मान हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर शायद मेरी माँ को कोई वहां गाली देता तो मैं मार डालता, वहां पे खत्म कर देता, चाकू पेलती अस्थिर हो जाती। जेल खटती पूरा जीवन, कोनो मतलब नहीं। लेकिन हमने के बिहारी के खून इतना गर्म होला कि गेहूं माई के गाड़ी दे दे बिना चाकू पेलले अस्थिर हो जाओ। गलत बात बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना? हम गर्दन कटाना हमें मंजूर है, बट हमारे माँ को कोई गाली दे दे ये हमें मंजूर नहीं है। इसीलिए मैंने ना ही किसी के माँ को गाली दी और ना ही मैंने अपने माँ की गाली सुनी। अगर खेसारी अपने माँ की गाली सुन लेता तो शायद पूरे भोजपुरी की माँ की गाली हो जाती वो, क्योंकि खेसारी को आज सिर्फ 5 लोग नहीं और सिर्फ मेरी ही माँ नहीं, बट पूरे जितने बिहार रूपी के लोग हैं, भोजपुरी बोलने वाले 40 करोड़ जनता की माँ मेरी माँ है और सब माँ मेरी माँ की तरह है। इसलिए मैं 3 सप्ताह में बाहर आ गया। वोट से अगर मुझे आना होता तो मैं आता बाहर, संभव नहीं था। खेसरिया के लोग 6 साल तक ले बिग बॉस चलाई तब वो खेसरिया बाहर ही ना हो अगर वोटिंग से आना होता मुझे तो। बट कोई नहीं, अगर मैं जल्दी नहीं आता तो शायद ये कार्यक्रम आप सबके बीच में नहीं होता और आप सबका प्यार और आशीर्वाद खेसरिया नहीं ले पाता। इसीलिए आना जरूरी था मुझे, मेरे बिग बॉस में आता तो इतना अच्छा सिस्टम मेरे को मिलता नहीं मिलता। और एक चीज और भी है, आप बिग बॉस नहीं, आप पूरा यूपी बिहार पूरा इंडिया पूरा देश पूरा वर्ल्ड जीत के आए हो। ओ माय डॉग, देखिए एक लड़की के मुंह से जब तारीफ होती तो मन करता है कहां समुंदर भरे कूदी का। होता है प्यार है। आप लोग की मोहब्बत ने खेसारी को बड़ा किया है और मैं इतना ड्रामा जो करता हूं ना ये मैं खुद के लिए नहीं करता। आज साहनी जी मेरे बड़े भाई की तरह है, आज इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम आप सबके बीच में आपको मुझे दिखाने के लिए आपका प्यार पाने के लिए, इसमें इनका कोई फायदा नहीं है। 1000 और दीजिए। हाँ अब बड़े आदमी है, छोटा छोटा अमाउंट मत दिया करिए। सुनिए ना भैया, 2000 इनको दे दिए, 1000 मुझे दीजिए। ऊपर आ जाइए, ऊपर आके दे दीजिएगा। हाँ दे दीजिएगा, मत गलत है ना, अच्छा आदमी है तो मैं बोला कि अच्छा आदमी है तो 2 पैसा ले ले। और साहनी जी बड़े आदमी है, भाई बड़े भाई की तरह है, तो बड़ा भाई से आदमी नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा, है कि नहीं? तो जितना हो भाई आप दे दीजिए, मैं बाद में देख लूंगा, हिसाब में काट लूंगा। हाँ आप मुझे दे दीजिए क्योंकि गिरा देंगे आप कहीं। अरे खड़ा रहने दीजिए, सब मेरे भाई हैं, पीछे वाले कहाँ है, जितना है वो सब आ गई है। जितने एक्चुअली प्रचार अगर हुआ तो खेसरिया को देखने के लिए 5 लाख पब्लिक आती है, ये तो बहुत कम है। लेकिन प्यार प्यार होता है, प्यार का कोई तुलना नहीं हो सकता। ये 10,000 ही 5 लाख के बराबर है क्योंकि इनसे मुझे 10 लाख की प्यार मिल रही है। आई लव यू। साधु भाई बजावा।